हेलो फ्रेंड, आज हम देखेंगे कैसे हमें यूपीएससी एग्जामिनेशन के लिए करंट अफेयर्स का प्रिपरेशन करना चाहिए सिस्टमैटिक तरीके से। जब हम करंट अफेयर्स का प्रिपरेशन करते हैं यूपीएससी एग्जामिनेशन के लिए, हमारे दिमाग में कुछ डाउट अराइज होता है। पहला डाउट अराइज होता है, क्या ये नेसेसरी है न्यूज़पेपर पढ़ना डेली बेसिस पे? अगर हम न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेंगे तो उससे क्या इफेक्ट होगा? क्यों डेली बेसिस पे ये रिक्वायर है? हम किसी क्लासेस का कंपाइलेशन पढ़ ले तो क्या वो सफिशिएंट नहीं है? सो इस केस में देखना कि यस, न्यूज़पेपर पढ़ना जरूरी है। ये आपको बहुत तरीके से जो है वो हेल्प करता है। इसके अंदर हमारा टाइम काफ़ी जाता है, ये अंडरस्टैंडेबल है, लेकिन एक बार जब हमें ये पता चल जाएगा कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना चाहिए तो टाइम हमारा ऑटोमेटिकली जो है वो रिड्यूस हो जाता है। सेकेंड, जब हमारे घर में न्यूज़पेपर आता है, हम उसको कैसे अप्रोच करें, कैसे हम उसको अप्रोच करें ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम उसमें से हमें गेन हो जाए। थर्ड, करंट अफेयर्स का जो नॉलेज है वो कैसे हमें हेल्प करने वाला है एग्जाम के सारे स्टेज में मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स को स्कोर करने के लिए। फोर्थ, कहाँ से हम करंट अफेयर्स को पढ़ें, क्योंकि मार्केट में अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे सोर्सेस मिलेंगे, बहुत ऑनलाइन ऑफलाइन अगर देखेंगे तो ऐसे मल्टीपल सोर्सेस अवेलेबल है, लेकिन इसमें से हमें राइट इंफॉर्मेशन को पिक करना होगा, उसको हमारे दिमाग में प्रोसेस करना होगा एंड देन उसको ही हमें जो है वो यूज करना है। क्या क्या पॉइंट हमें दिमाग में रखना है जब हम करंट अफेयर्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं, एंड लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कैसे हम करंट अफेयर्स का प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट करें। ये पूरा जब मैंने ये शेड्यूल बनाया था तो उसके अंदर मैंने ध्यान में रखा था कि जो लोग भी इसको सुन रहे हैं से उनको न्यूज़पेपर के बारे में बिल्कुल नहीं पता है, उनको करंट अफेयर्स का प्रिपरेशन उन्होंने स्टार्ट नहीं किया है, और इसको पढ़ने के बाद उनके लिए जो है ये पूरा जो है न्यूज़पेपर एक फनिंग लर्निंग एक्सपीरियंस हो जाएगा। इस पूरे कोर्स का हम यूटिलिटी देखते हैं तो फर्स्ट ये है कि ये हमें हेल्प करेगा यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में सारे स्टेजेस में। सेम वे में ये हमें जो है यूपीएससी के दूसरे एग्जामिनेशन है, जैसे सीडीएस है, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन, वहाँ हेल्प करेगा। ये हमें स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जामिनेशन में हेल्प करेगा, वहाँ के प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू में। आरबीआई ग्रेड बी में ये हमें हेल्प करेगा और दूसरे सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के एग्जामिनेशन में ये हमें हेल्प करने वाला है। अब हम देखते हैं कि कैसे हमें करंट अफेयर्स का प्रिपरेशन करना चाहिए। इसको हम स्टेप बाय स्टेप अप्रोच को देखेंगे। इस स्टेप बाय स्टेप अप्रोच में टोटल हमारे पास 6 स्टेप्स हैं। अगर इस स्टेप्स को हम अच्छे से फॉलो करते हैं तो सिस्टमैटिक तरीके से हम इससे करंट अफेयर्स का प्रिपरेशन कर पाएंगे, जो सारे स्टेज में हमें हेल्प करेगा। सबसे पहले स्टेप वन जो हमारा है, उसके थ्रू हमें एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है उससे फेमिलियर हो जाना चाहिए, क्योंकि हम एग्जामिनेशन के पैटर्न से अगर फेमिलियर हो जाएंगे, हमें पता होगा एग्जामिनेशन का डिमांड क्या है, तो बेटर वे में हम उस डिमांड को कैटर कर पाएंगे। जैसे हम कोई गेम्स खेल रहे हैं, अगर उस गेम्स के रूल्स हमें पता है तो उस गेम्स को हम बहुत अच्छे से प्ले कर पाएंगे, लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशन ही नहीं पता है तो उस ग्रीन गेम में हम बार बार जो है वो फॉल्ट करेंगे और हमें ग्रीन गेम से जो है वो बाहर निकाल दिया जाएगा। प्रीलिम्स के अंदर हम देखते हैं तो एग्जामिनेशन हमसे डिमांड करता है फैक्चुअल नॉलेज। वहाँ पे क्वेश्चन जो हम देखते हैं कि थोड़े बहुत एनालिटिकल क्वेश्चन आते हैं, जो अभी लास्ट 3-4 सालों से जो है वो अपीयर होने लगे हैं। मेंस के अंदर हम देखते हैं तो वो हमसे एनालिसिस पूछते हैं, वो हमारे ओपिनियन डिमांड करते हैं, वो हमें कहते हैं कि सब्जेक्ट्स को इंटरलिंक करो, वो टॉपिक को इंटरलिंक करो, और ये हमारे रिटन कम्युनिकेशन को जो है वो मेंस में चेक कर रहे हैं। मेंस में जब हम आंसर लिखते हैं तो वो हमारे आंसर को पढ़ेंगे और आंसर पढ़ने के बाद वो एक कंक्लूजन निकालते हैं कि वेदर दिस पर्सन कैन बी गुड ऑफिसर और कैन नॉट बी गुड ऑफिसर। इसलिए हमारा आंसर वो रिफ्लेक्ट करे हमारे पर्सनालिटी को। देन इंटरव्यू में हम देखते हैं तो ये ओवरऑल हमारे पर्सनालिटी को चेक करते हैं वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू। यहाँ पे ये हमारे एटीट्यूड को जो है वो चेक कर रहे हैं। सो जब हम करंट अफेयर्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमें ये तीनों स्टेज के डिमांड जो है उसको ध्यान में रख के करना पड़ेगा। अगर हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखें कि कैसे हम कोई करंट अफेयर्स का जो है प्रिपरेशन कर सकते हैं, सो एक टॉपिक हमारे पास है जो रिसेंट काफी दिनों से न्यूज में था, दिल्ली में एयर पोल्यूशन जो है वो अकर हो रहा है। अब इस एयर पोल्यूशन को लेके कैसे क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ सकते हैं, कैसे क्वेश्चन मेंस में आ सकते हैं, कैसे क्वेश्चन इंटरव्यू में आ सकते हैं। पहले जब हम प्रीलिम्स में देखते हैं तो वो हमसे पूछेंगे एयर पोल्यूशन के लेवल को मेजर करने के लिए हम एयर क्वालिटी इंडेक्स यूज करते हैं।
एयर क्वालिटी इंडेक्स हम यूज करते हैं, इसमें से कौन से गैसेस के कंपोजिशन को हम मेजर करते हैं, जैसे सल्फरस डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, पीएम 2.5 है, पीएम 10 है. सो ये हमसे एक फैक्चुअल क्वेश्चन उन्होंने पूछा. देन मेंस एग्जामिनेशन में वो हमसे पूछेंगे कि दिल्ली में जो एयर पोल्यूशन है उसका कॉज क्या है, उसका इफेक्ट क्या है, क्या क्या सॉल्यूशन हम दे सकते हैं, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन, शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन, ताकि एयर पोल्यूशन जो दिल्ली में अकर ना हो और जिसके वजह से इतना प्रॉब्लम अकर होता है उससे हम बच पाएं. इंटरव्यू में हमसे पूछेंगे कि अच्छा आप बताइए क्या क्या बिहेवियरल चेंज दिल्ली के लोग अपने अपने जो है बिहेवियर में कर सकते हैं ताकि एयर पोल्यूशन के इफेक्ट को मिनिमाइज कर पाए. सो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि दिल्ली के लोग जो हैं कि अगर प्राइवेट ट्रांसपोर्ट को छोड़ के पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में अगर ट्रैवल करें तो ज़्यादा से ज़्यादा एयर पोल्यूशन के लेवल को हम कंट्रोल कर पाएंगे. वहाँ के लोग अगर इलेक्ट्रिसिटी को कंजर्व करते हैं, वहाँ के लोग अगर ट्रीज को ग्रो करते हैं तो इससे हेल्प मिल जाएगा. सो इस केस में हमने देखा एक हमारे पास टॉपिक था और उसके कैसे क्वेश्चंस जो है वो निकल सकते हैं. चाहे प्रीलिम्स है, मेंस है, इंटरव्यू है, करंट अफेयर्स के प्रिपरेशन में मेजर लोग जो है वो गलती ये करते हैं कि वो क्या करते हैं, करंट अफेयर्स को कंपार्टमेंट में प्रिपेयर करते हैं कि ओके मैं अभी प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर करूंगा, अभी मैं मेंस के लिए प्रिपेयर करूंगा. ऐसे रिजल्ट उनका ओवरऑल प्रस्पेक्टिव जो है इस इशू को लेके जो है डेवलप नहीं हो पाता और सो जो है उनको नुकसान होता है एग्जामिनेशन में. सो जब भी हम करंट अफेयर्स का प्रिपरेशन करेंगे, आगे हम जब टॉपिक्स देखेंगे उस टॉपिक्स में हम तीनों स्टेज को ध्यान में रख के जो है टॉपिक्स का प्रिपेयर करेंगे ताकि हमें कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया मिले किसी भी इशू के बारे में, ना इधर कंपार्टमेंट वे में जो है वो हमें आइडियाज मिले. स्टेप्स टू को हम देखते हैं तो हमें यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का सिलेबस पता होना चाहिए. एक बार हमें सिलेबस के सारे टर्म्स अगर डिटेल वे में पता होंगे तो हम न्यूज़ को अच्छे से जो है पिक कर पाएंगे. जैसे अगर मुझे पता है सोशल एम्पावरमेंट क्या होता है, सोशल जस्टिस क्या होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है, पीडीएस क्या है, बॉर्डर सिक्योरिटी क्या है, तो ये सब अगर टॉपिक्स मुझे पता होंगे तो इजीली मैं न्यूज़पेपर से न्यूज़ पिक कर पाऊंगा. सो हमें सिलेबस पता होना चाहिए सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का और हमें जो है उसके रिलेटेड इंस्ट्रक्शन पता होना चाहिए, क्योंकि इंस्ट्रक्शन हमें एक अप्रोच बताता है कि इस वे में जो है वो हमें अप्रोच करना है इस एग्जामिनेशन को और इस वे में हमें अप्रोच करना जो है वो न्यूज़पेपर को. तो जब हमें सिलेबस प्लस अप्रोच पता होगा तब हम बेटर पोजीशन में होंगे न्यूज़ को वहां से जो है वो आइडेंटिफाई करने के लिए. थर्ड स्टेप में हम देखते हैं कि जब हमें न्यूज़पेपर हम पढ़ रहे हैं तब हमें सिलेक्टिव रहना है. अब क्यों सिलेक्टिव रहना है, हम न्यूज़पेपर को देखते हैं तो उसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली 50-60 न्यूज़ आता है, लेकिन हार्डली हमारे लिए 5 से 10 न्यूज़ जो है वो काम का होता है. बाकी न्यूज़ तो हमारे काम का है ही नहीं, क्योंकि जो लोग न्यूज़पेपर जो लिखते हैं उनका टारगेट ऑडियंस जो है सिर्फ सिविल सर्विस एस्पिरेंट नहीं है, वो दूसरे लोगों के लिए भी जो है वो न्यूज़पेपर लिखते हैं. उनको सेंसेशन भी फैलाना है, उनको न्यूज़ में इंटरटेनमेंट वैल्यू भी डालना है, उनको न्यूज़ में दूसरे चीज़ों को टॉपिक को भी जो है वो इंसर्ट करना है ताकि जिससे जो है वो इजिली कंज्यूमेबल बन जाए. सो हमें उसमें से बेटर वे में न्यूज़ को पिक करना है और उसी न्यूज़ को यूज़ करना है. अब हम कौन से न्यूज़ को पिक करेंगे, हम उस न्यूज़ को पिक करेंगे जो सिलेबस के साथ जिसका लिंकेजेस है. यहाँ पे मैंने जैसे एग्जांपल बताया है तो इस एग्जांपल में आप देखेंगे इंग्लैंड एसेस जो है वो 4-0 से जीत जाता है ऑस्ट्रेलिया को हराने के बाद, या करीना कपूर जो है किसी पर्टिकुलर मूवी के लिए 10 करोड़ चार्ज कर रही है. ये न्यूज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसको हम सिलेबस के किसी टॉपिक के साथ लिंक नहीं कर सकते हैं. लेकिन अगर एक ऐसा न्यूज़ आता है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पाकिस्तान विजिट कर रहे हैं कुछ टॉक्स के लिए, वहाँ पे कुछ मेजर चीज़ों पे जो है वो बात होने वाला है, उसको हम लिंक कर सकते हैं इंडिया एंड नेबरहुड रिलेशन के साथ ऑफ जनरल स्टडी 2 पेपर, तो वो हमें जो है वो हेल्प करेगा एग्जाम में. तो ये न्यूज़ हमें पिक करना है. सो जब भी आपके हाथ में न्यूज़ पेपर आए तो एक रूल ऑफ थंब ये होना चाहिए उसको आप सिलेबस के साथ लिंक करेंगे. अगर आप सिलेबस के साथ उसको लिंक नहीं करते हैं तो बहुत डिफिकल्ट होगा आपके लिए न्यूज़पेपर कंप्लीट करना टाइम फ्रेम में, और फिर क्या होगा बहुत सारी यूजलेस चीजों को भी जो है वो आप पढ़ लेंगे. देन स्टेप 3 के अंदर जब हम न्यूज़पेपर को पढ़ रहे हैं तो न्यूज़पेपर के अंदर कैसा होता है, कंप्लीट डिटेल्स नहीं होता है. तो हमें क्या करना होगा कि जो भी न्यूज़पेपर में डिटेल है वो हमने ले लिया, प्लस उस डिटेल्स के अंदर हमने इंटरनेट के थ्रू या किसी रेफरेंस बुक के थ्रू जो है वो डिटेल ऐड कर दिया.
एग्जाम्पल के हिसाब से देखें, जैसे कि यहाँ पे आता है कि अभी इराक में जो है वो वार चल रहा है, जहाँ पे इराकी फोर्सेस ने इस्लामिक स्टेट के कुछ एरिया को जो है कैप्चर कर लिया है। जब तक हमें मिडिल ईस्ट का हिस्ट्री ठीक से नहीं पता होगा, हम इस न्यूज़ को नहीं समझ पाएंगे। उसके लिए हमें इंटरनेट के अंदर देखना पड़ेगा कि इस्लामिक स्टेट जो है क्यों वहाँ पे वर्क कर रहा है, मिडिल ईस्ट का जो है ओवरऑल हिस्ट्री क्या है, या हमें इसके लिए जो रेफरेंस बुक है डेट इज मास्टरिंग वर्ल्ड हिस्ट्री बाय नॉर्मन लोवे, वहां से हम देख सकते हैं इसको। से एक दूसरा न्यूज आता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रेपो रेट कम किया, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन जो है कंट्रोल होगा। जब तक हमें रेपो रेट के बारे में पता नहीं है, हमें इन्फ्लेशन के कंसेप्ट के बारे में पता नहीं है, इस न्यूज को हम लिंक नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इसके लिए हमें इंटरनेट से ये टर्म्स को समझना पड़ेगा, या हमें किसी रेफरेंस बुक से ये टर्म्स को समझना पड़ेगा। सो जब भी आप न्यूज़ पढ़ रहे हो, तो आपको क्या करना है कि जो न्यूज़पेपर में जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, उसको हमें कंसेप्ट के साथ लिंक करना है। ये कंसेप्ट या तो आपको इंटरनेट से मिल जाएगा, ये कंसेप्ट या तो आपको किसी रेफरेंस बुक से मिल जाएगा, ताकि उस पर्टिकुलर टॉपिक पे आपका 360 डिग्री नॉलेज जो है वो मेंटेन हो जाए। स्टेप फोर्थ में हम देखते हैं तो क्या क्या सोर्सेस हम रेफर कर सकते हैं इस करंट अफेयर्स प्रिपरेशन के लिए। तो ये मैंडेटरी सोर्सेस है जो आपको रेफर करना ही पड़ेगा, न्यूज़पेपर द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस। अगर ये दोनों न्यूज़पेपर आप यूज करें तो बहुत बेटर होगा, लेकिन अगर टाइम का कंस्ट्रेन है तो आप कोई भी एक इसमें से रेफर कर सकते हैं। हिंदू न्यूज़पेपर का एडवांटेज ये है कि इसका हॉरिजॉन्टल न्यूज़ का कवरेज काफ़ी अच्छा है, और इंडियन एक्सप्रेस का एडवांटेज ये है कि एडिटोरियल जो है इसका काफ़ी अच्छा है। सो अगर आप ये दोनों न्यूज़पेपर को कंबाइन में पढ़ना चाहते हैं, तो आप ये काम करिए, हिंदू का न्यूज़ पढ़िए और इंडियन एक्सप्रेस के जो है आप एडिटोरियल जो है वो पढ़ सकते हैं। सो इन दोनों को जो है आप कंबाइन वे में पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा, क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस का जो एडिटोरियल होता है वो काफ़ी बैलेंस्ड एडिटोरियल होता है। इंडियन एक्सप्रेस के जो लैंग्वेज वो यूज़ करते हैं वो काफ़ी इजी लैंग्वेज यूज़ करते हैं। अगर हम इंग्लिश मीडियम हमारा बैकग्राउंड नहीं है तो भी हम इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़ को समझ सकते हैं, बट हिंदू में जो है वो थोड़ा डिफिकल्टी होता है, क्योंकि वहाँ पे जो है वो बिट हमारा वोकैबुलरी अच्छा होना चाहिए, तब हम उसको समझ पाएंगे। फिर हम योजना मैगजीन यूज कर सकते हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन जो एंड ब्रॉडकास्टिंग रिलीज करता है। ये मैगजीन के अंदर गवर्नमेंट का व्यू जो है वो अच्छे से प्रेजेंट करते हैं किसी भी स्कीम को लेके, क्योंकि हम एक गवर्नमेंट एग्जामिनेशन दे रहे हैं, हमारा व्यू गवर्नमेंट का व्यू जो है वो अलाइन होना चाहिए। अगर हम गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज भी करते हैं किसी इशू पे, तो भी क्रिटिसिज्म जो है वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए। तो जब आप योजना मैगजीन पढ़ेंगे, आपको गवर्नमेंट का व्यू पता चलेगा, आपको पता चलेगा कि गवर्नमेंट ये स्कीम इंप्लीमेंट कर रहा है उसमें प्रॉब्लम क्या क्या आ रहा है। लेकिन जब हम न्यूज़पेपर ज़्यादा पढ़ते हैं तो उसमें जर्नलिस्ट कभी कभी क्या करते हैं, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं, और उस क्रिटिसिज्म में जो है वो हमें लगता है कि गवर्नमेंट कुछ काम ही नहीं कर रहा है या गवर्नमेंट इनएफिशिएंट है। तो इसलिए हमें गवर्नमेंट का व्यू जानना भी हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। मैंडेटरी सोर्सेज के बाद आप कुछ सप्लीमेंट्री सोर्सेज भी यूज कर सकते हैं। अब सप्लीमेंट्री सोर्सेज में कुछ वेबसाइट है जो आप ट्राई कर सकते हैं, एक PRSIndia.org है, गवर्नमेंट कुछ बिल्स लेके आता है उसके बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है, देन IDSA.in है जो सिक्योरिटी एंड डिप्लोमेसी के बारे में जो है यहाँ पे बहुत सारे कमेंट्री लिखे जाते हैं, India.gov.in है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिशियल वेबसाइट है, PIB.nic.in इसको आप विजिट कर सकते हैं, News on AIR जिसको हम विविध भारती कहते हैं, आकाशवाणी कहते हैं, इसको आप विजिट कर सकते हैं, एंड लास्ट में आप विकिपीडिया को जो है विजिट कर सकते हैं। जब भी आप किसी वेबसाइट पे जाओ, ऑनलाइन सोर्सेज को देखो, तो आप वहाँ पे सिलेक्टिव रहो, क्योंकि सिलेक्टिव हम नहीं रहते हैं तो प्रॉब्लम क्या अकर होता है, हम जैसे कंप्यूटर को लॉग इन करेंगे, उसके अंदर हम इंटरनेट पे कुछ सर्च करने कुछ और जाते हैं, फिर एक लिंक से दूसरे लिंक पे जंप करते हैं, दूसरे लिंक से तीसरे लिंक पे जंप करते हैं, और अल्टीमेटली हमारा टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। सो हमारा मोटो ये नहीं है, हमें इंफॉर्मेशन को जो है वो फिल करना है अपने हार्ड डिस्क में। हमारा मोटो ये नहीं है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन का जेरोक्स करा के हमें घर में रखना है, बट हमारा मोटो ये है कि हमें क्या करना है, उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके एग्जाम में जो है अच्छे से अच्छे मार्क्स लेके आना है। इसलिए जब भी आप
अपने सोर्सेस को यूज करो, तो आप उसके अंदर ट्राई करो कि सोर्सेस आपके बैलेंस रहें। अगर सोर्सेस आप बैलेंस मिनिमम यूज करोगे तो अच्छे से रिवाइज कर पाओगे, नहीं तो अगर हम ज्यादा से ज्यादा सोर्सेस यूज करेंगे तो हम रिविजन नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से। देन आप एक कुरुक्षेत्र मैगजीन भी यूज कर सकते हो, टाइम है आपके पास तो फ्रंटलाइन भी आप यूज कर सकते हो, एंड इंडिया ईयरबुक जो है पब्लिकेशन डिवीजन जो रिलीज करता है वो भी चाहे तो आप यूज कर सकते हैं। ये कुछ सोर्सेस है जो आप यूज कर सकते हैं, इसके अलावा भी कुछ सोर्सेस अगर आपको लगता है आप यूज कर सकते हैं, बट आपको वही ध्यान में रखना है कि आपका टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो और आप एक ही चीज को जो है वो ओवर रीड ना करें डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में। आपको चीजों को पढ़ना है, चीजों को समझना है, चीजों को एग्जाम में लिखना है, इट इज एज सिंपल एज इट इज। आपको जो है मल्टीपल सोर्सेज के पीछे जो है वो नहीं भागना है। प्रॉब्लम कब अराइज होता है कि जब हम मल्टीपल सोर्सेज के पीछे भागते हैं, कोई हमें आके कहता है कि यार लास्ट ईयर जो है यूपीएससी एग्जामिनेशन में इस क्लासेस के मटेरियल में से इतने क्वेश्चन पूछे हैं, उस क्लास के मटेरियल में से उतने क्वेश्चन पूछे हैं। अब हमारे अंदर टेम्पटेशन होता है कि हम जाते हैं और उस क्लासेस के मटेरियल को जो है वो यूज करते हैं। स्टेप फिफ्थ, जो भी हमने स्टेप 1, 2, 3, 4 में किया, अब हमें क्या करना है, उसका रिविजन करना है। सो आप काम ये करना है कि जो भी वीक के 6 दिन आपने न्यूज़पेपर को पढ़ा है, वीक के 7th डे आपका उसका रिवीजन करना, आप ट्राई करना उसका नोट्स बनाने का। नोट्स अगर आप वीकली बनाते हो तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। ये ज़्यादा बेटर इसलिए रहेगा, जैसे अभी एक इश्यू आया था पैराडाइज पेपर लीक, वो लीक हुआ और उसके बाद डेली उसके ऊपर कुछ ना कुछ न्यूज़ आता है। अगर हम डेली बेसिस पे नोट्स बनाते हैं तो जिससे प्रॉब्लम ये अकर होगा कि बहुत सारे इंफॉर्मेशन को हम एक्यूमुलेट कर लेंगे, लेकिन एग्जामिनेशन में जो है वो क्वेश्चन आता है वो 200-250 मार्क्स का मैक्सिमम आता है, उसके अंदर हमें इंफॉर्मेशन लिखना है, हमें किसी भी टॉपिक पे पीएचडी तो करना नहीं है। इसलिए आप ये करना कि नोट्स वीकली बनाना और किसी भी टॉपिक के बारे में 5-6 पॉइंट अगर हमारे पास हो गए तो वो पॉइंट जो है वो सफिशेंट है, लेकिन वो पॉइंट मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए। जैसे हम मनी लॉन्ड्रिंग आए तो उसके बारे में हम ये कह सकते हैं व्हाट इज मनी लॉन्ड्रिंग, व्हाट इज कॉसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग का इफेक्ट क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग का सॉल्यूशन क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है क्या क्या स्टेप्स ले रहा है। अब इन सब में जो है वो 5-6 पॉइंट भी आपने लिख लिए तो भी मोर देन इनफ है, लेकिन आपका कवरेज जो होना चाहिए टॉपिक का वो मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए। इसलिए आप वीकली नोट्स बनाने का ट्राई करना, बहुत सारे लेबर से पेन से जो है आप बच जाओगे। उसके बाद जैसे एक बार तो हमने नोट्स बना दिया, सपोज 18 सितंबर को हमने नोट्स बना लिया किसी टॉपिक पे, 20 नवंबर को उसी टॉपिक पे जो है न्यूज़पेपर में कुछ नया अपडेट आया, तो जब आप नोट्स बना रहे हो तो आपको ध्यान में ये रखना है कि उसके आजू बाजू थोड़ा आप स्पेस छोड़ दो ताकि फ्यूचर में अगर उस नोट्स में कुछ उस टॉपिक में कुछ अपडेशन होता है आप उसको वहाँ पे ऐड कर पाओ, ताकि आपका पूरा का पूरा जो टॉपिक जो है वो एक ही पेज पे होगा। सो इसीलिए आपको नोट्स इस तरीके से बनाना है कि उसके अंदर कुछ फ्री स्पेस हो, ताकि फ्यूचर में अगर वहाँ पे कुछ अपडेट आता है तो उसी जगह पे आप लिख दो, ताकि एक ही जगह पे उस टॉपिक का सारा चीज होगा और आपको कॉम्प्रिहेंसिव जो है उस चीज का नॉलेज मिलेगा। जब भी आप नोट्स बना रहे हो तो आप एक काम करो, बुकिश नॉलेज मत यूज करो, वहां पे आप पॉइंट्स में जो है वो नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि जब हम सेंटेंस में बनाते हैं तो काफी ज्यादा टाइम कंज्यूम होता है नोट्स बनाने में, काफी ज्यादा स्पेस कंज्यूम होता है, और फिर बाद में जब हम रिवाइज करते हैं तो उसके बाद जो है उस रेलिवेंट पॉइंट को ढूंढने में ही काफी टाइम चला जाता है। तो इसको आप पॉइंट्स में बनाना और अपने लैंग्वेज में बनाना। हम जो नोट्स बना रहे हैं वो इसलिए बना रहे हैं ताकि हम इसको एग्जाम में यूज कर पाए, हम नोट्स इसलिए नहीं बना रहे हैं ताकि कोई और हमारे नोट्स को यूज करके एग्जाम में जो है वो पास हो जाए। लास्ट स्टेप हम देखते हैं कि जब हमने नोट्स बना लिया, अब हमारे पास लास्ट स्टेप है कि हमें उसका प्रेजेंटेशन करना है। तो आप करना करंट अफेयर्स के कोई भी टॉपिक को लेना, बहुत सारे वेबसाइट है जहां पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, इस क्वेश्चन को जो है आप ट्राई करना लिखने का। लेकिन जब आप वेबसाइट से क्वेश्चन लिखते हो तो उससे पहले आप एक क्वेश्चन अप्लाई करना, पहले आप ट्राई करना यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसको आप ट्राई करना अटेम्प्ट करने का, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करोगे तो आपको एक आइडिया आएगा, एसेंस आएगा कि यूपीएससी कैसे के क्वेश्चन पूछता है, और उस वे में आपका प्रिपरेशन होगा। क्योंकि कुछ वेबसाइट में या बुक्स में हम देखते हैं जो क्वेश्चन होता है वो यूपीएससी लेवल का नहीं होता। यूपीएससी क्या करता है, अपने क्वेश्चन को बहुत सिंपल रखता है बट कन्फ्यूजिंग वे में जो है वो क्वेश्चन को पूछता है, ताकि हमें आंसर देने में डिफिकल्टी हो। और एक बार जब
आपने आंसर लिख दिया है तो आप अपने जो है ग्रुप है, पीयर ग्रुप है, उससे चेक करा सकते हैं, आप अपने सीनियर से चेक करा सकते हैं, ताकि दूसरों का पर्सपेक्टिव भी पता चले। क्योंकि जब हम आंसर लिखते हैं तो हमें लगता है कि चलो हमने तो अच्छे से लिख दिया, हमने तो जस्टिस कर दिया, लेकिन उसी क्वेश्चन उसी आंसर को आप जब सेकेंड टाइम रीड करते हैं तो आपको लगेगा कि नहीं यार, यहाँ पे मैं ये चीज लिख सकता था बट मैंने मिस कर गया। उसको जब आप किसी और से चेक कराते हैं तो उनके पर्सपेक्टिव भी आपको पता चलता है, उस केस में जो है आपका अपना ही इंप्रूवमेंट होगा। तो आप ये ट्राई करना, दो तीन जो है वो लाइक माइंडेड लोग हैं उनका आप एक ग्रुप बना के खुद आंसर लिखना, खुद इवेलुएट करना, और ताकि जो है आप लोगों के अंदर भी एक कम्पिटिटिवनेस जो है वो बना रहेगा और आप एक दूसरे के मिस्टेक्स को जान पाओगे और उसको इम्प्रूव कर पाओगे। ये हमारा 6 स्टेप्स है। तो इस 6 स्टेप में अगर हम करंट अफेयर्स को करते हैं तो हम अच्छे से उसको कमांड कर पाएंगे और एग्जामिनेशन में हम बेटर पोजीशन पे होंगे कंपेयर टू दूसरे लोग कि हम इसको यूज कर पाएं। सो ये पूरे सेशन जो मैंने कंडक्ट किया है, इसमें अगर आपको कुछ डाउट है, क्वेश्चन है, या आपको कुछ सजेशन देना है कि कुछ और चीज़ मैं इंक्लूड कर सकता हूँ, तो आप जो है इसको कमेंट बॉक्स के अंदर आप लिख सकते हैं या आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, ये मेरा मेल आईडी है। सो ये हमारा जो है वो इंट्रोडक्टरी मॉड्यूल था करंट अफेयर्स को लेके। नेक्स्ट टाइम से जब हम स्टार्ट करेंगे तो हम इश्यूज से स्टार्ट करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में जो है ये भी लिख सकते हो कि कौन से इश्यूज जो आपको डिस्कस करने हैं, जो इश्यू को जो है मैं ट्राई करूंगा प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू कॉम्प्रिहेंसिव वे में कंप्लीट करने का। सो थैंक यू एंड हैव ए ऑसम डे।